भारतीय रेलवे वंदे भारत ट्रेन के नए संस्करण को उतारने की तैयारी कर रही है। देश में इस तरह की तीसरी रेल होगी और इसे 12 अगस्त को चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री से परीक्षण के लिए रवाना किया जाएगा। सूत्रों ने मंगलवार को ये जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि इस ट्रेन के नवंबर से दक्षिण भारत में एक विशेष मार्ग पर चलने की संभावना है। रेलवे के सूत्रों के अनुसार सेमी हाई स्पीड वंदे भारत का परीक्षण 15 अगस्त से पहले शुरू कर दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी चेन्नई से ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं। वंदे भारत के नए संस्करण का परीक्षण राजस्थान के कोटा से मध्य प्रदेश की नागदा खंड तक किया जाएगा। ट्रेन का परीक्षण गति 100 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। 2 से 3 परीक्षणों में सफलता के बाद नई वंदे भारत ट्रेन को वाणिज्य के संचालन के लिए मंजूरी दी जा सकती है। रेलवे ने दावा किया है कि पीएम मोदी की घोषणा के अनुरूप 15 अगस्त 2023 तक वंदे भारत की 75 ट्रेनें पटरियों पर दौड़ना शुरू हो जाएंगी। वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री और रायबरेली में मॉडर्न कोच फैक्ट्री में भी किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि नई वंदे भारत ट्रेन में यात्रियों के लिए सुरक्षा और आरामदायक सुविधा समेत कई पहलुओं पर ध्यान दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।